घर में छोटी छोटी बीमारी रहती है किसी ना किसी के, एक ये पैर में हाथों में दर्द किसके होता है हमेशा तेरे, हाँ कलेजे में दर्द आ रहा है, कानों में दर्द आ रहा है किसके होता है, कमर में गंदे सपने तुझे आते हैं, सपने में दबाव पड़ता है शरीर पे हल्का दबाव पड़ता है, घर में संकट नहीं बताया तुम्हारे वहां पूछा लीजो नहीं तेरी मम्मी तो थी पूछा तो एक ही बार आती है संकट बताया ना, फिर मेरे को नहीं पता मेरी बुझा दी और किसको मैंने क्या बताया था, नहीं बताया था, हाँ हाँ तो माँ ने पूछा है, पूजा तो आ गई ना, तो घर में तो पहरा देके कोई भी शक्ति जाके देख के तो आई है पूछा भाई क्या बात है क्या नहीं है, ये गाड़ियों का कारोबार तुम्हारा था क्या कुछ, नहीं पहले गाड़ी चलाई किसी ने, नहीं है सोची है, हाँ सोची थी एक दो बार लेने की पर ले ही नहीं पाए, अच्छा ठीक है, ये जमीन वमीन का काम आ रहा क्या चक्कर है, ये जमीन का पहले अपनी थी थोड़ी सी वो बेच दी थी फिर 30 गज में लेके बना लिया बस, तुम अपने मतलब कोई और गांव से हो क्या पहले बिलोंग करते थे, पहले जो हमारे इनके दादे परदादा का था वो था संदना यूपी में, हाँ 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 मैं वही पूछ रही हूँ, आप लोग यहाँ से नहीं है, नहीं पानी प्रमाणी मत से नहीं हो ना, यूपी में भी नहीं आज तक, हाँ हाँ अरे वहाँ से तुम्हारा वंशज तो है, वंश तो वहाँ से चला आ रहा है, तो फिर मैंने वही तो बोला है ना, घबराहट तेरे बड़ी रहती है भाई है तेरे संकट है, मैंने आते नहीं बता दिया मेरी बेटी ने संकट ले रहे कौन सा ले रहे इसके ऊपर, संकट बताया था ना किस पे पेशी चलती है, तुम लोग हमें तो नहीं पता किस पे पेशी चलती है, इस बच्ची पे है पेशी तो संकट है इस पे, तो इसी ने देख रही हूँ और क्या देख रही हूँ, इसी को दिखाने ला रहे हो ना, जो मेन मरीज है वो तो ये है, तुम तो अपने कार्य के लिए आ रहे हो, हमारे कार्य क्यों रुकते हैं हमेशा, एक तो तुम्हारे पितर नहीं है घर में, पितर को मानते हो पर पितर घर में तो मुझे दिख नहीं रहा, घर में तो तुम्हारे संकट ही संकट दिख रहे हैं मुझे नजर आ रहे हैं तेरे घर में, हमेशा टूट फूट रहती है तुम्हारे घर में, छोटी छोटी चीजें टूटती रहती हैं, कभी कुछ टूट गया कभी कुछ टूट गया, यही रहता है ना, और छोटी छोटी बातों पे कलह भी रहता है, आपस में बनती भी नहीं है, मतभेद बहुत रहते तुम लोगों से है ना बेटा, सच है वो सच्चे दरबार की है ना, सब शक्तियां एक समान है ठीक है, गद्दी अलग अलग है बच्ची अलग अलग है शक्ति सब एक है, समझ गए ना, ये मत सोचना जिस बच्ची में चल दी शक्ति वो शक्ति एक समान है, सिर्फ बच्ची अलग है या बच्चा अलग है ठीक है ना, ये मत सोचा करो कि भाई वो वैसे बैठा ना, शक्तियां सब कार्य करेंगी पर अपने अपने हिसाब से ठीक है, किसी का दरबार में कुछ चलता है किसी के दरबार में कुछ चलता है, समझ गए, हाँ तो तुम्हारे घर में मुझे संकट दिख रहा है मेन जो ठीक है ना, एक तुम्हारे पितर दोष आ रहा है ठीक है, ये सांप किसको दिखाई देते सपने में जाकर, घर में एक स्मेल आ रही है तुम्हारे घर में से, किसको लगती है मतलब कुछ जल रहा है या फिर कुछ गंदगी आ रही है, तेरे को आता है तुम्हारे घर में क्या कराया आ रहा है, हाँ जी क्यों बताया नहीं, नहीं पूछा तो तुमने कई जगह ले रखी, नहीं और हम वहीं झूठ मत बोलो मेरे आगे झूठ नहीं चलेगा, ले रखी है ना, ये क्यों बोल रहे हैं एक जगह ले रखी है, मेरे आगे तो तुम सातवीं आठवीं बार आ रहे हो शायद और भी फालतू जा रहे हो, जा रहे हो ना, पर किसी के समझ में नहीं आया, किसी के समझ में नहीं आया, किसी का नहीं आया, नहीं आया यही बात है, हाँ जी इस बच्चे के ऊपर संकट है जो इसके शरीर पूरा जीने से टूटा टूटा रहता है, काम करने का दिल ही नहीं करता इसका, करती है तो थोड़ा सा करके फिर लेट जाती है, यही है ना बेटा, यही है।